वेलकम टू SSC इजी। तो दोस्तों हाजिर आप लोग के सामने एरर डिटेक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। दोस्तों इसका मैंने पहला पार्ट निकाल दिया है, ये मेरा दूसरा पार्ट। चलिए इसमें देखते हैं रूल, जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसको आपको रूल के साथ बता रहा हूँ और टाइप बता रहा हूँ। वैसा ही टाइप SSC हमेशा रिपीट करता है हर एक एग्जाम में। सो पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, देन सेकेंड पार्ट ये देखे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन, सिटीजन कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ आउट ऑफ देयर हैंड्स, नोएडा। देखिए दोस्तों इसमें आप साफ पढ़ के आप फील कर सकते हैं आउट ऑफ देयर हैंड। ओके, तो दोस्तों आउट ऑफ देयर हैंड नहीं हो सकता, इसका इसके जगह पे क्या होगा, इन टू। तो सिटीजन कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ इन टू देयर हैंड्स। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द रिलेटिव्स ऑफ द deceased threatened to avenge his death। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक चीज आप गौर कीजिएगा, आपको ये वर्ड अगर मीनिंग पता नहीं तो आप मैक्सिमम लोग क्या कर रिवेंज के तौर पे सोचेगा, बट एवेंज करेक्ट, इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, एवेंज का मतलब क्या होता है, टू पनिश और हर्ट समबडी इन रिटर्न फॉर समथिंग, यहाँ पे ये होगा समथिंग रॉन्ग दैट हैज डन टू यू। ओके तो इसलिए एवेंज करेक्ट है, एवेंज का मतलब आप जान लीजिए। ओके, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, आई रिमेंबर मीट हिम 5 ईयर अगो। आपको पढ़ के लग रहा है कि कुछ अजीब टाइप फील आ रहा है, देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन तो आप फील कर सकते हैं, पढ़ते हैं आपको फील हो जाएगा कि इसमें कहीं गड़बड़ है। तो आई रिमेंबर मीट हिम, देखिए मीट हिम ही आपको मैक्सिमम लग रहा है कि गड़बड़ी है, तो क्या होगा दोस्तों, जब भी रिमेंबर रहेगा तो याद रखिएगा आई रिमेंबर मीटिंग हिम, ठीक है, वी का ING फॉर्म होगा। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। He asked that how long I would be absent. दोस्तों एक चीज आप याद रखिए, कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा और वो इनडायरेक्ट स्पीच में रहेगा तो उसके, देखिए यहाँ क्वेश्चन खुद से ही है हाउ, तो उसके साथ कभी भी डैट लगेगा नहीं, ठीक है, क्लियर, तो उसमें कभी यूज नहीं कीजिएगा डैट का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। He ate nothing since yesterday. जब भी आप, जैसे आप सिंस देख लिए भैया, तो आपका क्या होगा कि आप दो चीज सोचिएगा, या तो आप सोचिएगा कि भाई हम परफेक्ट टेंस लगाएं तो आप कंटिन्यूअस लगा दीजिएगा, बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आप दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं लगाया जाता है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट से ही हो जाता है। तो जैसे ये है, ही हैज ईटन नथिंग, ओके तो इसका करेक्ट आंसर होगा ही हैज ईटन नथिंग, बट आप गड़बड़ तो पता कर लीजिए क्योंकि सिंस देख के आपको पिछला रूल में बताया था, सिंस देख के आपको क्या सोचना है, ठीक है, तो इस जगह पे आप गड़बड़ पता कर लीजिएगा और SSC में आपको खाली बताना है कि इसमें एरर है, बट आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों, सी इज वर्किंग हियर सिंस 1983, अगेन सिंस आ गया, बट यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा क्योंकि वो काम करते आ रही है, ऐसा एक फील दे रहा है। ओके तो इस जगह पे आपका क्या होगा, सी हैज बीन वर्किंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टू मेरर है, आपको पता चल गया। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, देखिए फील करके फिर से आपको पता चल गया कि माधुरी दीक्षित इज हैविंग, जब भी कोई स्टेटमेंट में फैक्ट है तो उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज किया जाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माधुरी दीक्षित हैज A large number of, a large fan following, ठीक है, has का use होगा यहाँ पे। चलिए next चलते हैं। Several guests noticed Mr. Sharma collapsing in his chair and gasping for breath. देखिए दोस्तों ये आपको क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको दिया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसमें कहाँ एरर है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। This our second reminder and we are much surprised at receiving no answer from you. Again, ये भी आप ही को बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे। दो क्वेश्चन मैंने अभी तक दिया है, 8 and 9, ये दो का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। Next, you should be always grateful to your mentor. देखिए grateful यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, मैंने आपको प्रीवियस में बताया था स्पेलिंग एरर के बारे में, तो इसको भी मैंने बता दिया। ओके तो यहाँ पे ग्रेट की जगह पे क्या होगा,
ग्रेट का स्पेलिंग पे गड़बड़ है आपका, ग्रेटफुल होता है मतलब थैंकफुल होता है, ओके तो स्पेलिंग एरर है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द फर्नीचर, देखिए, अच्छा पहले पढ़ लेता हूँ, द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। देखिए आप देख रहे कोई भी चीज कुछ कुछ ऐसा होता है नाउन जिसमें आप उसको ना सिंगुलर, आप उसको मतलब एस लगा के उसको आप प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है, ओके जैसे देखिए लगेज, लगेजेज नहीं होता, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, फर्नीचर हो गया, पोएट्री हो गया, तो पोएट्रीज नहीं कर सकते, तो कुछ सेलेक्टेड कुछ पांच टाइप पे पूछता है, फर्नीचर रहता है, पोएट्री रहता है, लगेज रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है, ये सब में क्या करता है ना एस लगा देता है, ओके तो याद रखिएगा ये सब कभी भी एस लगाने से प्लूरल नहीं होता है, ये खुद में ही आप इसका यूज से इसको सिंगुलर और प्लूरल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यूज होता है, बट अगर आपको एस लगाना तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तब एस लग सकता है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, बट नॉर्मल इंफॉर्मेशन यूज नहीं होगा, वैसे फर्नीचर यूज नहीं होगा, ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें एरर किसमें है, एस नहीं होगा पहला में। नेक्स्ट है मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दिस डेज। दोस्तों देखिए इसमें आपको एक चीज याद रखना है, जब हम लोग कोई स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और वो छोटा ग्रुप है, स्पेसिफिक ग्रुप है, तो उस केस में मोस्ट कब यूज होता है, मोस्ट ऑफ होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल वन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, I may not be able attend to the function. तो देखिए I may not be able to attend the function होगा, यहाँ पे to आपका छोटा हुआ, ठीक है, to error है यहाँ पे, यहाँ to नहीं होगा, ओके यहाँ to होगा, ठीक है, तो I may not be able to attend the function, यहाँ to नहीं होगा, यहाँ to होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से remove to करना है, ठीक है, और यहां पे टू लगाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ही इज रिसाइडिंग हियर सिंस, फिर से अगेन सिंस आप दिख गया, मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना, सिंस आप दिख गया, आप समझ जाइए कि वन में एरर है, यहां पे क्या होगा, हैज बीन होगा, खत्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चन, तो आप फील कर सकते हैं एट हिज रिटर्न क्या होता भैया, तो क्या होगा इसकी जगह पे, एट की जगह पे ऑन हिज रिटर्न, उसके आने के बाद हम उससे पूछेंगे बहुत सारा क्वेश्चन, ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द चीफ गेस्ट इंटर्ड इन टू द रूम, इंटर्ड इन टू नहीं होगा, द चीफ गेस्ट इंटर्ड इन द रूम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सी इज वेरी एंग्री ऑन हिम, याद रखिए कभी भी एंग्री विथ प्रीपोजिशन लेता है, तो सी इज एंग्री विथ हिम, कोई भी पर्सन से अगर कोई एंग्री हो तो उस पर क्या होता है, विथ लगता है, ठीक है, याद रहेगा, याद रखिएगा विथ कब लगेगा, जब कोई पर्सन से एंग्री हो, अगर आप अपने गर्लफ्रेंड से एंग्री हो तो विथ लगेगा, ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन आनंद रीच द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट अबाउट हिम प्रिसीडेड हिम, देखिए यहां फील आप कर सकते हैं रिपोर्ट अबाउट हिम प्रिसीडेड हिम, बन नहीं रहा है, ठीक है, तो उसी से आप फील कर सकते हैं कि थ्री में गड़बड़ है, मैक्सिमम सीजीएल का क्वेश्चन या एसएससी का क्वेश्चन आप देखिएगा, आप फील करके ही आप गलत लगा सकते हैं कि कहां पे, बट आपको बताने के लिए मैं यूज कर रहा हूं, तो यहां रिपोर्ट अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड हिम होगा, ओके यहां पे हैड एड होगा, ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नॉट सक्सेस और नॉट फेल्योर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शन, तो याद रखिए जब भी नाइदर होगा, ये नाइदर होगा क्वेश्चन मुख्य, नाइदर सक्सेस नॉर, टाइपिंग एरर है, ठीक है, नाइदर सक्सेस और नॉर फेल्योर लार्जली डिपेंड अपॉन द आवर एक्शन, तो यार नाइदर नॉर का जब भी कॉम्बिनेशन रहेगा तो याद रखिएगा वर्ब आपका सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है, तो यहां क्या होगा, डिपेंड्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द पुअर मैन पॉइजन्ड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन, दोस्तों
अगर आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इसमें आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज करते हैं? जब कोई चीज खुद पे ही हो, जैसे ही किल्ड हिमसेल्फ, वो खुद को मारा, तो हिमसेल्फ यूज होगा। ही किल्ड हिमसेल्फ, ही पॉइजंड हिमसेल्फ, तो द क्या होगा? द पुअर मैन पॉइजंड हिमसेल्फ, नॉट हिम, हिमसेल्फ। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से एक एरर था। नेक्स्ट है आपका, इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। अब यहां पे पढ़ की फील कर, इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट, दैट वी फर्स्ट, ये फील करके आप समझ जाए कि दैट नहीं होगा, दैट की जगह पे क्या होगा? वेन, वेन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, द चिल्ड्रंस डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल्स होम। तो ये क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने तीन क्वेश्चन दिया अभी तक, 8, 9 एंड 22। ओके, ये तीनों का आपको आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लाइव। तो यहाँ पे सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड, लिव्ड लिव्ड होगा यहाँ पे, दी होगा पहले से, ठीक है, टाइपिंग है। चलिए नेक्स्ट चलते, देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ी है। दोस्तों याद रखिएगा, एक रूल आपको याद रखना है। आपको मैंने पिछले बार में बताया था कि वन ऑफ हो या इच ऑफ हो, इसके साथ क्या लगता है? नाउन प्लूरल लगता है, ठीक है, दोनों के साथ, और दोनों में वर्ब क्या होता है? सिंगुलर। ये मैंने बताया था आपको पिछले वाले में। इसमें दोस्तों याद रखिएगा, जब ऐसा रहे, सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड, तो याद रखिएगा कि ऑफ के बाद आपको देखना है, ऑफ का एंटीसीडेंट को देखना है कि वो किस में है, सिंगुलर में कि प्लूरल में। तो ऑफ का एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन कौन है? तो ये है आपका मदर्स। ऑफ का एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन को देखना है। तो दोस्तों मदर्स आपका यहां पे नाउन है, वो भी क्या है? प्लूरल है, तो इसके हिसाब से आपका बनेगा वर्ब। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हैव। क्लियर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जॉन आई एंड हैरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। दोस्तों एक में ध्यान दीजिएगा कि एक रूल होता है 2-3-1, पहले सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। तो यहां दो क्या है आपका? थर्ड पर्सन है, तो दोनों को आके होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? जॉन, हैरी एंड आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नाइदर द माउस नॉर द लायन वेर कॉट, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसमें भी दोस्तों वही रूल लगेगा, ठीक है। नाइदर नॉर के क्या करता है? सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करता है, तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, वेयर के जगह क्या होगा? वास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, After you will return from Delhi, New Delhi, I will meet you. तो ये conditional है, आप जानते हैं कि अगर if के साथ present tense है, ठीक है, ध्यान से देखिए, if के साथ अगर present tense है तो next जो उसका बनेगा उस subject के साथ will लगेगा। देखिए यहाँ subject के साथ will लगा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? Present tense होना चाहिए। तो will कैसे present tense में होना चाहिए ना, तो ये देखिए will कैसे लग गया, तो will नहीं होगा। तो after you return From New Delhi, I will meet you. Conditional का आपका तीन रूल है, आपको याद रखना। अगर नहीं याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिएगा, मैं उसका भी रूल आपको अच्छे से बता दूंगा। When I was young, I used to collect stamps as a hobby. तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको When I was young, I used to collect stamps as a hobby. एकदम सही है, करेक्ट है, इसमें नो एरर है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, Pacific Ocean is the deepest ocean in the world. तो दोस्तों यहाँ पे एक रूल आप जानते हो, डेफिनेट आर्टिकल किसके बिफोर लगता है? आप जानते हो ओशन का नाम हो, माउंटेन रेंजेस हो, रिवर हो, सीज, उसके आगे क्या लगता है? डेफिनेट आर्टिकल मींस द। तो यहाँ पे क्या होगा? द पैसिफिक ओशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यू विल कम टू माई सिस्टर वेडिंग टुमारो, इजंट इट। देखिए ये क्वेश्चन टैग एरर है। क्वेश्चन टैग एरर में क्या होता है दोस्तों? यहाँ अगर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव में भी क्या बनेगा? जो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा वही रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वॉन्ट या विल नॉट बोलिए इसको, जो भी, विल नॉट यू, ठीक है। तो इसका आंसर इजंट इट नहीं होगा, विल नॉट यू होगा या वॉन्ट यू होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
आई एम योर्स अफेक्शनेटेड सन। देखिए यहाँ पे क्या एक चीज हो रहा है, बताना चाह रहा है कि मैं आपका अफेक्शनेट सन हूं। तो दोस्तों इस केस में देखिए यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं, योर्स ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं, ठीक है। दो होता है, एक होता है योर और एक होता है योर्स, दोनों पॉजिटिव में यूज होता है। बट योर का कब होता है, जब आपका कोई नाउन का अगर आपको मॉडिफाई करना है तो योर क्या एज एग्जेक्टिव यूज होता है, ठीक है पक्का। और जब कोई प्रोनाउन का यूज करना है उस केस में योर्स होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको नाउन का करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, केवल योर होगा, क्लियर। ये बात याद रखिए, योर का कब यूज करेंगे, एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव योर होता है, ठीक है। तो ये नाउन के केस के लिए करेंगे या नाउन का फ्रेज के लिए करेंगे, और योर्स आपका किसके केस में करेंगे, प्रोनाउन के केस में करेंगे। ये दोनों पॉजिटिव केस है, एक एडजेक्टिव वाला, ये आपका प्रोनाउन वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिसाइड हिंदी सी न्यू बंगाली वेल। देखिए बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बट इसमें बोलना चाहते हैं कि हिंदी के अलावा, तो अलावा जब भी बोलेंगे तो एस लगेगा, स्पेलिंग क्या हो जाएगा, बिसाइड्स, इसमें गड़बड़ी, इसमें एस लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों आज हमारा इतना ही था, ठीक है। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।